नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। संपूर्ण देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के भयंकर रूप ले लेने से ऑक्सीजन की कमी को लेकर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी बहुल जिले झाबुआ के ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना महामारी का असर जिसने रौद्र रूप ले लिया है। इसी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय विधायक कांतिलाल भूरिया, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, लाड़की देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमती कल्पना कांतिलाल भूरिया द्वारा अपने निजी व्यय से दिवंगत विधायक सुश्री कलावती भूरिया की स्मृति में झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन पिटोल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 मशीन एवं कुंदनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 मशीन प्रदान की गई। जोबट विधानसभा क्षेत्र में भी 5 एवं बोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें प्रदान की गई। इस अवसर पर विधायक कांतिलाल भूरिया ने बताया कि आज कोरोना महामारी ने भयंकर रूप ले लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों में भी इसका असर देखा जा रहा है। जिला स्तर पर मरीजों को चिकित्सा संसाधन सुविधा मिल रही है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभाव देखा जा रहा है। इसके लिए हमारा प्रयास है कि दिवंगत विधायिका सुश्री कलावती भूरिया की स्मृति में हमारे निजी व्यय से 10 लाख की लागत से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी स्वर्गीय बहन कलावती भूरिया जी की स्मृति में हमने ये निर्णय लिया था कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम जो भी कर सकते हैं निजी तौर पर हम करना चाहते थे, और इसलिए हमने और कांतिलाल भूरिया जी ने जो ट्रस्ट है हमारा लाड़की देवी बाई भूरिया ट्रस्ट, उसके माध्यम से 10 लाख के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम जिले में दे रहे हैं। और ये ज़्यादातर हम उप स्वास्थ्य केंद्रों को देना चाह रहे हैं, जैसे कल्याणपुरा हुआ, पिटोल हुआ, बोरी हुआ, राणापुर हुआ, कुंदनपुर हुआ, और जोबट क्षेत्र में जोबट, भाबरा, कट्टीवाड़ा, उदयपुर, उदयगढ़। तो ये कोशिश है कि लोगों को जो भी हम, क्योंकि ऑक्सीजन की हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और सब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का, और किसी तरह से ऑक्सीजन के कारण कोई मौत नहीं हो, ये हमारा एक छोटी सी पहल है, एक छोटा सा प्रयास है।